टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग से ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप की बैंड बजा डाली। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने मैच के पहले दिन 2 विकेट पर 167 रन बना लिए थे और दूसरे दिन पूरी पारी 338 रन पर सिमट गई। पहले दिन रविंद्र जडेजा ने ज्यादा गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन दूसरे दिन कप्तान अजिंक्य रहाणे ने उन्हें जब भी गेंद थमाई उन्होंने निराश नहीं किया। जडेजा के खाते में गेंदबाज के तौर पर 4 जबकि फील्डर के तौर पर 1 विकेट जुड़ा। उन्होंने जिस तरह से अपने बुलेट थ्रो से ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को रनआउट किया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्मिथ ने 131 रनों की पारी खेली और कोई भी भारतीय गेंदबाज उन पर हावी नहीं हो सका। उनकी इस खूबसूरत पारी का और ऑस्ट्रेलियाई पारी का अंत जडेजा के हाथों हुआ। 105.4 ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर स्मिथ 2 रन लेने के लिए भागे, लेकिन गेंद नहीं थी जडेजा के हाथ में। वो तेजी से गेंद पर लपके और डायरेक्ट थ्रो के साथ स्मिथ की शानदार पारी का अंत किया। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो जडेजा ने 18 ओवर में 62 रन देकर 4 विकेट झटके। जड्डू ने, मानस लाबुशाह ने, मैथ्यू वेड, पैट कमिंग्स और नाथन लाइन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्मिथ के अलावा लाबुशाने ने 91 और बिल पुकवस्की ने 62 रनों की पारी खेली। वहीं आपको बता दें जडेजा के इस थ्रो ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां भी बटोर ली है। मैं आपको बता दें हर कोई जडेजा के थ्रो को लेकर उनकी काफी तारीफ भी कर रहा है। आप भी अगर जड्डू के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।